गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी के मी स्मार्ट बैंड 5 के बारे में। अब आप तो जानते ही होंगे कि मी बैंड ये शाओमी का फिटनेस प्रोडक्ट है, एक अच्छी छोटी सी फिटनेस बैंड है जो काफ़ी अफोर्डेबल भी होती है। नंबर वन, जो सबसे पहले वाली मी बैंड आई थी वो 999 रुपये की हुआ करती थी, उसमें डिस्प्ले भी नहीं था लेकिन उसमें कुछ 2-3 महीने वाली बैटरी लाइफ हुआ करती थी। तब से हम रिव्यू करते आ रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को और बाकी कितने सालों में हमने देखा इतने सारे चेंजेस हो गए इसमें। अब इसमें कलर डिस्प्ले आ चुका है और उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर अच्छा हार्ट रेट ट्रैकिंग का फीचर भी है, साथ में स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे नए नए फीचर शाओमी ने ऐड कर दिए हैं और हर साल जो है ये बैंड धीरे धीरे इंप्रूव होते जाता है। अब इस साल चार्जर का डिज़ाइन शाओमी ने चेंज कर दिया है जो मुझे काफ़ी पसंद है, उसके बारे में एक सेकंड अब बात कर लेते हैं। मी बैंड 5 में आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जो मी बैंड का जो कैप्सूल होता है उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको इसे चार्ज करने के लिए, उसे स्ट्रैप में आप रख कर चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो नया था चार्जर का डिज़ाइन। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आए हैं, जैसे अगर आपको चाहिए एक पूरा ऑलराउंड एक्टिविटी ट्रैकिंग मेट्रिक कुछ अच्छा मिल जाए, यानी कि अलग अलग आप स्टेप्स कैलोरीज वगैरह नहीं देखना चाहते, सिंगल एक देखना चाहते मेट्रिक में कि कौन सी अपनी फिटनेस अच्छी है नहीं है, तो उसमें एक पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस नाम की नई चीज़ आ गई है। फिर मैंने पहले भी बताया था आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, यानी कि अगर आजकल की दुनिया में तो बहुत लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है ज़िंदगी में, तो ये भी आपको चेक करना है कि है या नहीं, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग और जो स्टेप ट्रैकिंग होती है, एक्टिविटी वर्कआउट्स, आउटडोर वॉक, ये सारी चीजें करनी है आपको, भागना वगैरह है वो रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी चीजें तो हो ही जाती है इस बैंड में। बस ध्यान रखिए कि शाओमी के मी बैंड में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें इनबिल्ट जीपीएस मिल जाए वो भी नहीं होगा। 2500 रुपए में आपको इतने सस्ते में मतलब इनबिल्ट जीपीएस उसमें मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, और उसके आने से क्या होता है फिर बैटरी लाइफ में चेंजेस हो जाती है, और फिर जो ये प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है ना उसके लिए कैजुअल फिटनेस यूजर्स के लिए, मतलब उनके लिए ये मेरे ख्याल से ठीक है जो फीचर्स सेट दिया गया है। बाकी अभी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि आपको ये शाओमी का मी बैंड 5 है ये खरीदना चाहिए या नहीं। अब इस रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती कर देता हूँ कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं, और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ये वीडियोस, ताकि उनको भी पता चले कि मी बैंड 5 खरीदना चाहिए या नहीं, और वो भी हमारे बाकी सारे वीडियोस भी आके देख लें, उससे आप भी आगे बढ़ेंगे हम भी आगे बढ़ेंगे। चैनल तो आपके साथ में ही वैसे भी चलता रहा है, इसी तरह आपका साथ रहेगा तो और आगे बढ़ते रहेगा। मी बैंड 5 में आपको एक कलर डिस्प्ले मिल जाता है और एक रिस्ट बैंड भी है जिसमें एक लूप बकल दिया गया है, जैसे मी स्मार्ट बैंड 4 में था वैसा ही। अब इसमें एक टच सेंसिटिव बटन भी है इसके डिस्प्ले के नीचे, और डिस्प्ले की साइज है 1.1 इंच और डिस्प्ले पैनल एमोलेड वाला है और इसमें 16-bit कलर रेंज दी गई है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मी बैंड 5 काफ़ी प्रीमियम लगता है, और इसका स्ट्रैप और बकल बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुआ था रिव्यू करते समय। अब ये बैंड काफ़ी हल्का भी है, उसका वजन सिर्फ 12 ग्राम है और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल भी है। अगर आपको अलग अलग वॉच फेस ऑप्शन चाहिए इसमें तो मी बैंड 5 में 100 से भी ज़्यादा दिए गए हैं जो आप मी फिट ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे ऊपर और नीचे स्वाइप अप करेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको दिख जाती हैं, जैसे कि हार्ट रेट, कैलोरीज कितने बर्न किए हैं आपने, कितने स्टेप्स चले हैं आप, नोटिफिकेशन इत्यादि। लेफ्ट या राइट अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको वेदर और म्यूजिक विजेट्स दिखेंगे, और आप यहाँ पर अलग अलग शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि अलार्म, स्टॉपवॉच, वर्कआउट्स इत्यादि, ये सारी चीज़ें आप मी फिट ऐप से एडजस्ट कर सकते हैं। मी बैंड 5 में आपको मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह के नोटिफिकेशन तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप कॉल्स आंसर या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर मी बैंड पे कॉल आंसर कर दिया तो मी बैंड से ही बात करेंगे, आपको फ़ोन से ही करना पड़ेगा, लेकिन समझ लीजिए कि आपका फ़ोन आपके जेब में है, आपने ईयरफोन लगा रखे हैं और मी बैंड में आपको नोटिफिकेशन आ गया फ़ोन का, तो वहीं से एक्सेप्ट कर लीजिए, ईयरफोन में आवाज़ आ जाएगी सामने वाले की, उससे बात कर सकते हैं। उसी तरह आप कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हैं मी बैंड से, ये अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से। क्या है ना, ये सारे फिटनेस बैंड्स वगैरह में इतनी स्मार्ट कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आपको बार बार फ़ोन निकाल के देखना ना पड़े कि कौन कॉल कर रहा है, उसको आंसर करना है, रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब आपके फ़ोन से ध्यान हट जाए और बैंड पर आधी चीज़ें करके आप आगे बढ़ लें, तो उससे थोड़ा समय बचता है और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया फीचर है। मी बैंड 5 में काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी हैं फिटनेस के अलावा, जैसे कि आप इसे रिमोट शटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के कैमरे के लिए। ध्यान रखिए कि आप उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं जो आपने मी बैंड के साथ में पेयर किया है। एक वर्ल्ड क्लॉक का भी फीचर है इसमें, जिसके द्वारा आप अलग अलग शहरों में क्या टाइम है अभी वो देख सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक ब्रीदिंग गाइड जो अगर आपको थोड़ा काम डाउन करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक स्ट्रेस मॉनिटर भी दिया गया है इसमें, जिसके द्वारा आप अपना स्ट्रेस लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ट रेट डेटा वगैरह के हिसाब से, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अभी या आप एकदम शांत और रिलैक्स्ड हैं।
इसमें एक नया PAI इंडेक्स वाला मेट्रिक दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस। तो आपके एक्टिविटी डेटा के बेसिस पे आपको बताता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं। Mi Band 5 काफी आसानी से पेयर हो जाता है Mi Fit ऐप के द्वारा आपके आईफोन या एंड्रॉइड फोन के साथ में। Mi Fit ऐप भी काफी अच्छा है, उसके होम पेज पे काफी अच्छे डिटेल्स मिल जाते हैं एक्टिविटी वगैरह के बारे में, जो मुझे काफी अच्छा लगा। अब Mi Band 5 में आपको 11 स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं और इसमें आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग और काफी सारे और मोड्स भी हैं। अगर आप योगा वगैरह करते हैं वो भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं आप। तो Xiaomi के Mi Band 5 में एक और अच्छा फीचर मैंने ये देखा है कि अगर आपने वर्कआउट अपना खत्म कर दिया तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, मैं जब वर्कआउट करता हूँ उसके बाद में, यानी कि कहीं मतलब भाग के आ गया वापस या फिर मैं जिम चला गया, जो भी किया, मतलब कोई भी वर्कआउट कर लिया मैंने, उसके बाद में मैं अपने वॉच में Mi Band में भूल जाता हूँ कि मैं वर्कआउट खत्म हो गया, उसको एंड करके सेव कर दें। अब ये काम अगर आप भूल जाते हैं तो इस Mi Band 5 में फीचर ऐसा दिया गया है कि ऑटोमेटिकली वो देख लेता है कि आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो वर्कआउट पॉज कर लेगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो आधे घंटे का वर्कआउट था वो 3 घंटे जैसा लगेगा नहीं, क्योंकि पीछे चलते ही रहा है, वो वर्कआउट लॉग करते ही जा रहा है। मतलब आप घर आके खाना वाना खा रहे, अच्छे पराठे वराठे खा लिया आपने, उसमें भी वो वर्कआउट में लॉग होते जाएगा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए ये वाला एक अच्छा फीचर दे दिया गया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स में ये देखा है। बात सही है, ये होता है फीचर काफी सारे प्रोडक्ट्स में, लेकिन 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा फीचर मिलना ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्पेक्स की बात करें तो Mi Band 5 वाटर रेजिस्टेंस भी है 50 मिलीटर तक, यानी कि अगर आप नहाते वक्त इसे पहन लेंगे तो इसे कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन आप इसे सोना में इस्तेमाल मत कीजिए या फिर स्कूबा डाइविंग करते समय मत लेके जाइए, क्योंकि उससे इसको डैमेज हो सकता है। इस डिवाइस में आपको 512 KB रैम और 16 MB स्टोरेज मिलता है और ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट भी है। Mi Band 5 का एक और अच्छा फीचर है कि स्लीप ट्रैकिंग वो कर लेता है। तो आप सोते वक्त अगर Mi Band पहन के सोते हैं तो आपको बता देगा कितने घंटे आप सोए, उसमें कितनी अच्छी नींद थी आपकी, और आप बीच में अगर उठेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि नहीं भाई, आप बीच में 15-20 मिनट जागे थे और फिर वापस सो गए। तो काफ़ी अच्छी स्लीप ट्रैकिंग है। अगर आपको नींद वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कब आप उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत चैन की नींद सोते हैं तो शायद आपके लिए फीचर उतने फ़ायदेमंद ना हो। Mi Band 5 का रिव्यू करते समय हमें कोई बड़ी दिक्कतें तो नहीं आई। ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है और इसके प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देता है ये। अब इसका टच इंटरफेस अच्छा चलता है, वर्कआउट मोड्स काफ़ी अच्छे डिटेल्स वगैरह आपको दे देते हैं और नोटिफिकेशंस और कॉल अलर्ट्स भी काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। कुछ कुछ समय में देखा था कि कॉल अलर्ट्स वगैरह ठीक से आते नहीं थे एक दो बार, लेकिन ये मतलब इंटरमिटेंट बग जैसा था, ऐसा नहीं कि मेजर प्रॉब्लम थी ये। अगर आप कैजुअल यूज़र हैं Mi Band के, यानी कि आधे घंटे का आप वर्कआउट कर लेते हैं एक दिन में, तो उसके साथ में Mi Band की बैटरी आपकी चलेगी लगभग 9-10 दिन के आसपास। अगर आप थोड़े हैवी यूज़र हैं, यानी कि आप दिन में 2-2 घंटे व्यायाम कर रहे हैं और वो भी लॉक कर रहे हैं Mi Band में, तो आपकी बैटरी थोड़ी कम हो जाएगी इससे। अगर आप एक बेसिक फिटनेस बैंड ढूंढ रहे हैं मार्केट में, आपका बजट 2-2500 के आसपास है, तो Mi Band 5 आप ले लीजिए। इसमें बेसिक चीज़ें सारी अच्छी चल जाती हैं, एक्सरसाइज ट्रैकिंग वगैरह में काफ़ी एक्यूरेट है ये, और इसकी बैटरी लाइफ एक हफ्ते से भी ज़्यादा चल जाती है। काफ़ी सारे इसमें नए फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेस ट्रैकिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग, जो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, बहुत लोगों को काम आएंगे ये। इसमें जो PAI स्कोर दिया गया है उससे ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको एक नया मेट्रिक चाहिए ट्रैक करने के लिए तो आपके लिए सही हो सकता है। 2500 रुपये में Mi Band 5 काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप देख लेंगे सैमसंग गैलेक्सी फिट 2 जो नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, उसका प्राइस 4000 रुपये है, उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देता है आपको। अगर आपको चाहिए एक सस्ता फिटनेस ट्रैकर तो आप Xiaomi का Mi Band 5 आराम से ले सकते हैं, बिल्कुल भी आप गलती नहीं करेंगे। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2500 रुपये, उसके वर्थ आपको फीचर्स अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी देता है ये प्रोडक्ट। अब Xiaomi का Mi Band जब शुरू से मैंने रिव्यू किया है, Mi Band 1, 2, 3, 4, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उसके बाद में हमें पता चल चुका है कि इनकी बेसिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और हर साल जो छोटे मोटे एडिशंस करते हैं ये, वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो अभी इन्होंने अपने एकदम एंट्री लेवल फिटनेस ट्रैकर का जो सेगमेंट है पूरी तरह से कैप्चर कर लिया अच्छे प्रोडक्ट्स बना के, और Mi Band 5 उसी में एक बहुत ही अच्छा एडिशन है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप कौन सा सस्ता वाला फिटनेस ट्रैकर लेते हैं? अगर 2500 के आसपास आपका बजट है तो कौन सा आपके हिसाब से बढ़िया है? क्या आप Mi Band 5 खरीदना चाहेंगे? कौन सा फीचर आपको चाहिए जिससे आप Mi Band 5 की तरफ आकर्षित हो सकते हैं? ये सारी चीजें मुझे कॉमेंट करके बताइए, और टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो हिंदी.gadget360.com पर जरूर जाइए।